हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, व्हाइल दैट प्रोड्यूस्ड बाय एन आईपीस अलोन इज 5। व्हेन द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आईपीस इज 14 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डिस्टिंक्ट विजन बोल दीजिए या फिर इसको लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन बोल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, क्वेश्चन में देखिए हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं बोला गया है। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस होगा। राइट, ये हम बता सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए क्या होता है, अरेंजमेंट देखिए कैसा होता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, दिस इज अवर आईपीस, ये आपका आईपीस होगा। ओके, माइक्रोस्कोप है तो देखिए हम बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का अपेरेचर क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू द किसके कंपेरिजन में, आपका आईपीस के कंपेरिजन में। इसको आईपीस या फिर ऑक्यूलर दोनों बोल सकते हैं। राइट, ये आपका पता है, अपेरेचर भी लेस होगा और फोकल लेंथ भी लेस होगी। ओके, यहाँ पर मान लीजिए बच्चों आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को देखिए इन जनरल एफ और टू एफ के बीच पर रखते हैं। राइट, अब देखिए इसके कारण आपकी इमेज फॉर्म होगी। मान इसके कारण देखिए आपकी इमेज इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर बन रही है। ओके, एक रे आपके यहाँ से ऐसे पास हो रही है, दिस सेकंड रे आपकी इस तरीके से पास हो रही है। ओके, तो ये आपकी इमेज हो जाएगी, दिस इज द इमेज। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका ए डैस, और मैंने इसको बी डैस बोल दिया। अब देखिए दिस इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आपकी किस कैसे एक्ट करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ओके, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। ओके, ये केस कैसा आपका, ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है। तो इसकी फाइनल इमेज देखिए बच्चों, ये आपके रे को देखिए मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसका फाइनल इमेज देखिए मान लीजिए यहाँ पर बनना है। ओके, दिस इज अवर फाइनल। ओके, ये आपका ए डबल डैस और बी डबल डैस। ओके, ये हम बता सकते हैं, दिस विल बी अवर, ये आपकी क्या बनेगी यहाँ से, फाइनल इमेज बन जाएगी। ओके, और ये डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी होगी, ये डिस्टेंस है कि ये आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी ये कहां पर बनेगी, आपकी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनेगी। ओके, तो और ये डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर के गिवन कर रखी, तो मैं उसको यहां पर कैलकुलेट करता हूं आपका 20 सेंटीमीटर, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका यहां पर से इतना हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये हमने यहां पर क्या बना लिया, दिस इज हाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क। देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है जिस चीज को हम देखना चाह रहे हैं, एफ ओ के आपका दिस इज ये आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये क्या आपका दिस इज द आईपीस या फिर ऑक्यूलर। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपेरेचर लेस होता है एज कम्पेयर टू द आईपीस। ओके, और देखिए ए बी से आपके रेस, ए बी देखिए आपका ए बी जो ऑब्जेक्ट है। ओके, ए बी क्या आपका ऑब्जेक्ट है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, इसकी इमेज बननी है ए डैस बी डैस। ओके, ये आपकी इमेज बन जाएगी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, लेकिन ये ए डैस बी डैस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, आईपीस के लिए आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। और फाइनल इमेज देखिए आपकी ए डबल डैस और बी डबल डैस बन रही है। ओके, ये हमारी आईज को दिखाई देती है, और या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं हमारी आईज के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, ए डबल डैस बी डबल डैस होगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए बी आपका ऐसे है और इमेज आपके देखिए क्या बननी है यहाँ पर, इन्वर्टेड बननी है। तो हम बता सकते हैं आपका जो आपका टोटल मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। ओके, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन किसके कारण है, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑलराइट, क्वेश्चन में देखिए आप देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बोला है कि देखिए टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको 20 दे रखा है, टोटल मैग्निफिकेशन 20 के इक्वल दे रखा है। टोटल मैग्निफिकेशन किस किसके इक्वल होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण और आईपीस के कारण, और इसकी वैल्यू देखिए -20 लिख लेते हैं। ऑलराइट, -20 देखिए आपका इमेज क्या बननी है, आपका 20 सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कारण हम बता सकते हैं कि जो आपकी फाइनल इमेज बननी है वो इन्वर्टेड बननी, तो आपका -20 लिख लेंगे। ओके, ये लिख सकते हैं। फिर इसमें लिखा है कि व्हाइल दैट प्रोड्यूस बाय आईपीस, आईपीस के कारण आपका 5 के इक्वल है। ओके, आईपीस के कारण देखिए आपका एमई की वैल्यू देखिए आपको 5 गिवन कर रखी है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण कितना आना चाहिए, आपका -4 के इक्वल आना चाहिए। ये हम यहाँ पर से ऐसे इतने डेटा में क्वेश्चन गिवन है। और क्या बोला गया, दैट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 14 सेंटीमीटर। ओके ओके, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको, ये आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन करके, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखी है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ओके, अब देखिए हमें क्या बताना, आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बताना। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों उसको स्टार्ट करते हैं, देखिए आईपीस, आईपीस से स्टार्ट करते हैं। देखिए आईपीस के करस्पॉन्डिंग हमें मैग्निफिकेशन कितना गिवन कर रखा, 5 गिवन कर रखा है। ओके, ये आपका देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस नहीं है, तो हम बता सकते हैं देखिए जो आपका यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है। तो देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आपका देखिए जो आपका मैग्निफिकेशन होता है किसके लिए, आईपीस का, वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होगा आपका एम इज इक्वल टू 1 + d / fe। ओके, ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे पुट कर रहा हूँ। ओके, एम ए कितना आपका 1 + d / fe के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए एम ए के यहाँ पर 5 पुट कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 + d, डी के आपकी, डी आपकी एल के आपकी लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, कितना क्वेश्चन गिवन कर रखा है 20 के इक्वल, तो मैंने इसको 20 / fe लिख लिया। और लेट इसको देखिए मैं सॉल्व करूंगा, तो 5 - 1 कितना होता है 4, 4 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 20 / fe। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों एफ ई की वैल्यू कितनी
कितनी आ गई यहाँ से आपकी 5 सेंटीमीटर की इक्वल आ गई। सो दिस इज द फोकल लेंथ फॉर आवर आईपीस। ओके ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ। तो आईपीस के लिए तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। सेकंड देखिए मुझे क्या बताना है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी बताना पड़ेगा। ऑलराइट तो देखिए आईपीस के लिए मैंने इतना कैलकुलेट कर लिया। तो आईपीस के देखिए फोकल लेंथ तो मुझे यहाँ से पता चल गई। ऑलराइट तो मैं देखिए अब यहाँ से क्या बता सकता हूँ आईपीस के लिए। देखिए आईपीस के लिए देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आईपीस के लिए देखिए जो आपका ए डैश बी डैश है, जो आपका क्या है ए डैश बी डैश है, ये देखिए आपका कैसा है, ये आपका क्या था ऑब्जेक्ट था, और ए डबल डैश बी डबल डैश ये क्या था आपका इमेज थी। ओके तो देखिए हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं। ओके हम देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं। ओके तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस आईपीस के लिए देखिए ए डैश बी डैश आपका क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ए डबल डैश बी डबल डैश ये आपकी इमेज है। ओके अब देखिए रेस किस डायरेक्शन में आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो जिस डायरेक्शन से जाती है उसको नेगेटिव एज्यूम करूंगा, और यहां पर आपका पॉजिटिव। ओके तो जितने भी लेफ्ट वाले डिस्टेंस है उन सबको हम क्या करेंगे नेगेटिव मेजर करेंगे। मैं लेंस का फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, 1/v - 1/u = 1/f। ओके अब देखिए बच्चों मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, वी क्या आपकी इमेज डिस्टेंस, इमेज देखिए आपकी 20 सेंटीमीटर में बननी है। ओके 20 नहीं कितनी -20, क्योंकि लेफ्ट पे तो आप इसको -20 लिखेंगे, -1/u ये आपका यू क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके ए डैश बी डैश की डिस्टेंस कहां से, यहां पर से। ओके ये मुझे कैलकुलेट करनी है, इट इज इक्वल टू 1/f। एफ के आपकी फोकल लेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग, आईपीस की, ये हमें नहीं कैलकुलेट करनी कितनी आपकी 5 के इक्वल, तो हम इसको यहां पर से 5 लिख लेते हैं। ऑलराइट तो देखिए बच्चों यहां से आपका 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/u की वैल्यू हो जाएगी -1/20 -1/5। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों 20 आपका इधर आ जाएगा, और यहां पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका -1 ही हो जाएगा, और 5/4 यहां से हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए -1 और -4 कितना था -5/20, तो यू की वैल्यू बच्चों यहां से ये आपकी -4 के इक्वल कितना -4 सेंटीमीटर। ओके तो ये आपका क्या आ गया, आपका दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, आईपीस के लिए, यानी कि देखिए आपने ए डैश बी डैश वाले डिस्टेंस के कर लिए यहाँ पर, ये डिस्टेंस आपने पर कैलकुलेट करके बता दी। ओके ये कितनी आपकी देखिए 4 सेंटीमीटर। ओके क्वेश्चन में देखिए एक हिंट और दी, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस 14 है। ओके तो ये टोटल 14 है, ये 4 है, तो मैं क्या बता सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस फिर आपकी 10 होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए आपकी 10 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। ओके इतना हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ऑलराइट अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट तो हम उसी के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए डैश बी डैश कैसे एक्ट करेगा, दिस इज द इमेज। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी था, और इमेज क्या थी, ए डैश बी डैश। तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंस फॉर्मूला क्या क्या करेंगे यूज करेंगे। ओके तो देखिए बच्चों अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ओके ऑब्जेक्टिव लेंस का देखिए मैग्निफिकेशन हमें गिवन कर रखा है, देखिए कितना आपका ये हमने कैलकुलेट कर रखा है -4 के इक्वल है। ओके और ये किसके इक्वल होता है, देखिए ये होता है आपका लेंस का आपका मैग्निफिकेशन v/u के इक्वल होता है। ऑलराइट तो ये देखिए हम ये वैल्यू आपकी -4 के इक्वल होगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी, वी कितना होगा आपके यहाँ से -4 u के इक्वल होगा। ओके ये हम यहाँ पर से ऐसा बता सकते हैं। ऑलराइट अब देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखिए ए डैश बी डैश ये कैसा एक्ट करेगा, दिस इज द इमेज। ओके इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी है, अगेन देखिए ये आपका पॉजिटिव होगा इस लेंस के लिए, ये सॉरी ये वाले आपकी नेगेटिव होगी, रे जिस डायरेक्शन से जाती है उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही है उसे पॉजिटिव। ओके नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे लिख लेंगे। ओके तो देखिए हम लिख सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखिए आपका ए डैश बी डैश की आपकी इमेज है, और इमेज डिस्टेंस देखिए कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ देखिए वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव है। ओके इस चीज का ध्यान रखना है। ओके तो बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखिए इस फॉर्मूले में इसको पुट कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा -4 u के इक्वल, और यू की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से कितना आएगी आपकी -2.5 सेंटीमीटर जाएगी। ओके ये डिस्टेंस मैंने क्या कर लिया आपकी -2.5 सेंटीमीटर यहाँ से कैलकुलेट करके बता दी। यू क्या है बच्चों आपका, जो आपका देखिए दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके यानी कि हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या था, देखिए इसके लिए ए बी था, तो ये डिस्टेंस देखिए हमने कैलकुलेट कर ली कितनी 2.5 सेंटीमीटर। ओके ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली, आपको तो सिर्फ फोकल लेंथ के बारे में बताना है, आपको क्या बताना है यहाँ पर फोकल लेंथ बताना। ऑलराइट तो देखिए फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम देखिए एक बार और क्या कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ऑलराइट तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं आपका 1/v - 1/u ये किसके इक्वल होगा आपका 1/f के इक्वल होगा। ऑलराइट तो देखिए बच्चों वी वी देखिए यहाँ पर से ये क्या है, दिस इज एफ ओ ये क्या आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वी क्या आपका वी इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज देखिए कहां पर बननी है आपकी ए डैश बी डैश पे बननी है, तो ये डिस्टेंस देखिए आपकी 10 सेंटीमीटर और पॉजिटिव में, तो मैंने देखिए इसको 1/10 यहाँ पर पुट कर लिया, -1/u यू क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनना है 2.5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में बनना है, तो उसको हम लिख लेंगे देखिए -2.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ इट इज इक्वल टू 1/f0 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 10 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो गया, इट इज इक्वल टू f0। ऑलराइट तो 4 + 1 5, 5/10 कितना होता है 1/2, तो आपकी f0 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। सो दिस
दिस विल बी द फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो देखिए हमें दोनों के लिए फाइंड आउट करना था। देखिए हमने आईपीस के लिए 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर देखिए इसका कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपका 2 सेंटीमीटर है और आईपीस के लिए 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए हमने बिना कोई फॉर्मूले को मेमोराइज के सारे यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।